नमस्ते, वेलकम टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम इनकम टैक्स कैसे सेव करना है उसके डिफरेंट रास्ते दिखाऊंगा, और साथ में ही आपको नेक्स्ट ईयर का टैक्स प्लानिंग करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो इनकम टैक्स सेव करने के आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें सबसे फेमस जो है वो है ATC। ATC के अंडर में आप 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं। जो सेक्शन ATC है उसके अंडर काफ़ी सारे सेविंग ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। EPF तो ऑलरेडी आपके सैलरी अकाउंट में से कंपनी के द्वारा ही कटता है। एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके कोई गर्ल चाइल्ड है और आपने उसके नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना लिया है तो वो भी आप ATC के अंडर में दिखा सकते हैं। फिर टैक्स सेविंग FD जो 5 साल की होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आपने LIC का कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है तो वो भी आप ATC के अंडर में दिखा सकते हैं। फिर ELSS। ELSS वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओनली 3 ईयर का ही लॉक इन पीरियड है। बाकी सब इन्वेस्टमेंट आप प्लान देखेंगे, जैसे PPF है तो 15 साल का है, EPF आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो बाकी जितने भी सेविंग ऑप्शन है वो 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पीरियड वाला ही है। अकेला ELSS ही है जिसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड में आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम, तो EPF के साथ आपका कुछ पैसा NPS में भी जाता है, तो उसका अंडर में जो पैसा आपका कटता है वो भी आप ATC के अंडर में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है ULIP। ULIP इज नथिंग बट इंश्योरेंस प्लान विच इज लिंक विथ स्टॉक मार्केट। तो ये वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ही है जो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का एक हाइब्रिड वर्जन है। तो इसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ATC के अंडर में ये इन्वेस्टमेंट आपका दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। फिर कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन प्लान बाय इंश्योरर, रीपेमेंट टुवर्ड होम लोन प्रिंसिपल। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है और होम लोन में आप प्रिंसिपल वाला पोर्शन जो रीपे करते हैं वो भी आप ATC के अंडर में शो कर सकते हैं। एंड लास्ट में है चिल्ड्रन ट्यूशन फी। अगर आपके किड्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उसका आप जो ट्यूशन फीस भर रहे हैं वो भी आप ATC के अंडर में दिखा सकते हैं। तो ये सारे टोटल मिला के आप 1.5 लाख तक सेव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हाउस लोन इंटरेस्ट। अब हाउस लोन इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है सैलरी इनकम, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन है उसके अंडर में आपका नेगेटिव 2 लाख तक का इनकम शो कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके इनकम में से डिडक्ट होके आपको टैक्स में बेनिफिट देता है। अब ये सैलरी वाला पोर्शन है, अगर आपका इनकम है वो सैलरी से है तो आप डायरेक्टली 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन टेकन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस ATEE। तो ये वन टाइप ऑफ डिडक्शन है, वो अगर आपका हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है वो 2.5 लाख है तो आप उसमें से 2 लाख यहाँ पे शो कर सकते हैं और 50,000 यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब इसका कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं जरा। अगर आपका हाउस का वैल्यू 50 लाख से कम है, फिर दूसरा है आपका जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख से कम है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो होम लोन लिया है वो फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 के बीच में लिया होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप 2 लाख से ऊपर 50,000 रुपये यहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एडिशनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड NPS। तो आप NPS में 50,000 रुपये का डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। ये जो NPS वाला इन्वेस्टमेंट है वो आपका ATC के अंडर NPS आता है, उसके अलावा अगर आप कोई अलग से NPS सेव करते हैं तो वो आप 50,000 रुपये यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अगर आपके कुछ पैसे बैंक में पड़े रहते हैं और उसके ऊपर अगर आप 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको पूरे का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। अगर उसके ऊपर आप कोई अर्न करते हैं तो आपको वो इनकम टैक्स में काउंट होगा, टैक्सेबल इनकम में एड होगा। नेक्स्ट है मेडिक्लेम प्रीमियम। तो ये थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप सेल्फ एंड फैमिली यानी कि आपका एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी वाइफ हो गए, आपके बच्चे हो गए, उसका 25,000 तक का अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो आप ATEE के अंडर में दिखा सकते हैं।
इसके अलावा प्लस आप अपने पेरेंट्स का भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका अलग से आप 25,000 रुपीज़ दिखा सकते हैं। तो टोटल आप 50,000 रुपये तक का यहाँ पे मेडिक्लेम प्रीमियम ATD के अंडर में दिखा के आप डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर प्रोविजन है कि 5,000 रुपये का आप हेल्थ चेकअप भी दिखा सकते हैं। 5 फैमिली मेम्बर है और सबका 1,000-1,000 रुपये का हेल्थ चेकअप आपने करवाया है तो आप 5,000 रुपये का यहाँ पे डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 45,000 रुपीज़ का मेडिक्लेम का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपका टोटल 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम पे 30,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर सकते हैं। और आप भी सीनियर सिटीजन है और आपका फैमिली आप और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो आप टोटल है 60,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है डोनेशन, तो डोनेशन में कोई अपर लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट ने जो ऑथोराइज किया है उस संस्था को आप पैसे देते हैं तो आपका डायरेक्टली ATG के अंडर में पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। इसमें भी दो तरह की संस्था होती है। कुछ संस्था 100% आप डिडक्शन दिखा सकते हैं जबकि कुछ में आप ओनली 50% तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी डोनेशन देते हैं तो आप 100% क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे टैक्स सेविंग के ऑप्शन है। हम एक ऑनलाइन कैलकुलेटर से देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके इनकम टैक्स इंडिया टाइप करना है। तो सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा इनकम टैक्स ITR फाइल करने वाला, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, उसके ऊपर आप क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इसमें आप नीचे जाएंगे तो एक इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेटर करके ऑप्शन दिया है। तो ये कैलकुलेटर की हेल्प से आप पूरा अपना इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और असेसमेंट ईयर में आप कितना टैक्स पे करेंगे या करने वाले हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर डालना है, मैं 2021 डाल देता हूँ। मेल रेसिडेंट, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे जो अमाउंट डालेंगे वो आपके सैलरी में से 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के फिर डालना है। हमने अगले वीडियो में देखा था कि टोटल 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं जिसमें सैलरी इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया, बिजनेस इनकम हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्स हो गया। तो ये सभी को यहाँ पे कवर किया है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो आप यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगा डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आप अपना लेट आउट प्रॉपर्टी का जो भी इनकम ऑन कर रहे हैं, कितना रेंट कमा रहे हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन वाले में आपको हर क्वार्टर में कितना कैपिटल गेन हुआ है वो यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करना है। कैपिटल गेन आपका जानने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वहाँ से आप अपना एक स्टेटमेंट डाउनलोड करके हर क्वार्टर का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चारों क्वार्टर का कैपिटल गेन फिलअप करना है। कोई लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड होल्ड किए थे और वो सेल किए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो यहाँ पे आप उस स्टेटमेंट में आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए अलग से क्वार्टरली आपको कैपिटल गेन का डिटेल मिल जाएगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये वाला जो इनकम है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो अदर सोर्स यानी कि आपने इंटरेस्ट से इनकम किया है, कमीशन एंड अदर इनकम से किया है, अगर आपने कोई गेमलिंग करके भी विन किया है तो यहाँ पे आप ये डिटेल डाल सकते हैं। जो कमीशन वाला पोर्शन है, अगर आप कोई LIC इंश्योरेंस बेचने का काम कर रहे हैं और आपको कमीशन इनकम जो हुआ है यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट इनकम है, अगर आपका इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक अकाउंट में से हुआ है तो ये वाला जो इनकम है आप डिडक्शन में क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इनकम। अगर एग्रीकल्चरल इनकम एक्चुअली सरकार ने टोटली एग्जेम्प्ट किया हुआ है इनकम टैक्स के अंडर में से, तो आप कितना भी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं वो पूरा टैक्स फ्री है। तो डिडक्शन के अंडर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टैब है। हमने जो ATC के अंडर में जो देखा था ये सारे टैब, ये सबका डिटेल आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ एन्यूटी, PPF में इन्वेस्ट किया है तो NSC, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ULIP, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे दिखाना है। तो ये सारे जो है वो ATC के अंडर में आते हैं। तो ATC का टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट है मेडिक्लेम प्रीमियम, तो मेडिकल का प्रीमियम भी मैंने आपको दिखाया कि 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो 60,000 तक क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ATD में अगर आप क्लेम नहीं कर रहे और कोई आपका और आपके पेरेंट्स का कोई मेजर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है जो ATDDB के अंडर में आता है तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ATEA,
फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में होम लोन लिया है और आपका वो पहला होम है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट में अगर 2 लाख से ज़्यादा जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डोनेशन, तो डोनेशन वाला पोर्शन आप यहाँ पे फिलअप करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो अब सारे फिगर यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसका जितना भी टैक्स रेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया आएगा। और अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा है और सरचार्ज लग रहा है तो यहाँ पे आएगा और सेस का डेटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको टोटल कितना टैक्स पे करना है वो डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको यहाँ पे 9.5 लाख रुपये डालना है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका कोई होम लोन है जिसके ऊपर आप 2.5 लाख रुपये का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 2 लाख की लिमिट में 2 लाख रुपये आ गए। फिर नेक्स्ट है कैपिटल गेन, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 50,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अर्न किए एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपने 50,000 रुपये अर्न किए, तो आपका टोटल कैपिटल गेन वाला इनकम हो गया 1 लाख रुपये। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 0 रखता हूँ, अभी एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम भी 0 रखता हूँ। डिडक्शन, तो डिडक्शन में मैं इसमें से कुछ कुछ चीज़ डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने 20,000 रुपये का LIC का प्रीमियम पे किया, PPF में मैंने 50,000 रुपये डाल दिए, म्यूचुअल फंड में 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हाउसिंग लोन चल रहा है उसके ऊपर मैंने 25,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया है, तो मेरा जो टोटल है वो 1,70,000 रुपये बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख तक ही कैलकुलेट होके आएगा। अब नेक्स्ट है मेडिक्लेम। मान लीजिए कि मैंने 50,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है फैमिली और पेरेंट्स के नाम पे। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन फॉर इंटरेस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी। मेरा टोटल 2.5 लाख का इंटरेस्ट बन रहा था तो मैं 50,000 रुपये इसके अंडर में क्लेम कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है डोनेशन। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो कैपिटल गेन से कमाया था तो 1 लाख रुपये मैंने PM केयर फंड में डोनेट कर दिए जिसमें 100% आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये वाले कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल इनकम था 10 लाख रुपये प्लस 1 लाख रुपये कैपिटल गेन, तो 11 लाख रुपये, जिसमें से 1 लाख रुपये मैंने डोनेट कर दिए तो मेरा इनकम बचा 10 लाख रुपये। 10 लाख में थे 50,000 रुपये मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया और बाकी ये सब इन्वेस्ट किए, मेरा टैक्सेबल इनकम हुआ 5 लाख रुपये। तो 5 लाख रुपये का जो इनकम हुआ उसमें से 4.5 लाख रुपये मेरे जो इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से 10,000 रुपये लगेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ उसमें मुझे 10% के हिसाब से 5,000 रुपये टैक्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये मेरा सैलरी इनकम है उसमें से मेरा 5.5 लाख के नीचे आता है तो पूरा डिडक्ट हो गया और ये 5,000 रुपये के ऊपर मुझे एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशनल सरचार्ज देना है और टोटल मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया 2600 रुपये। होप कि आपको समझ में आ गया है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं सबसे पहले कैपिटल गेन इनकम को हटा देता हूँ। ATG में जो मैंने 1 लाख रुपये का डोनेशन किया था वो भी हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा सैलरी में से जो इनकम है वो 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये इनकम पे जो मेरा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से 1,250 रुपये टैक्स लगेगा, लेकिन 1,250 रुपये मुझे रिबेट मिल जाएंगे। रिबेट मिलने की वजह से यहाँ पे मेरा इनकम टैक्स बन के आया वो 0,0 आया। 87A के अंडर में आप 5 लाख से नीचे टोटल टैक्सेबल इनकम होता है तो 12,500 रुपये का आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि आप 10 लाख रुपये तक जब अर्न करते हैं और प्रॉपरली प्लान करके अपना हेल्थ इंश्योरेंस, NPS, ये सब ऑप्शन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 लाख रुपये तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आपको इनकम टैक्स सेविंग ऑप्शन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।